अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं इंशाल्लाह, आप ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हम 3 आइटम्स बनाएंगे। चिकन का डिसा बनाऊंगी और चॉकलेट वाले डम्पलिस बनाऊंगी और ब्रोस्ट चिकन बनाऊंगी। ठीक है, सेम वो किस KFC की तरह होगी। अब देखें, ये डिश चिकन की डिश के साथ ये मैंने कनक जो है ना वो 500 ग्राम भगो के रखी हुई थी रात को, और ये एक चिकन है, 1 टेबल स्पून नमक है, ये हरी मिर्ची हैं, 12-13 हरी मिर्ची हैं, लेकिन कद्दूकश की हुई हैं, ये चॉप की हुई हैं, और ये 2 गुठली लहसुन की है, और ये 200 ग्राम जो है वो मक्खन है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मक्खन डाल देंगे, उसके बाद हम गंदम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद ये हम चिकन को पकड़ के इसके अंदर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और ये मक्खन डाल देंगे। देखिए, मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी। अब हम इसका प्रेशर बंद करके चूल्हा जला देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन, अब हम इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर देंगे, फिर बताते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अब हम सीटी उतारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको खोलते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप खुद देख लें, इतनी प्यारी खुशबू और इतना मज़ेदार लग रहा है ना, इतनी प्यारी खुशबू है। ये देखें कि चिकन भी किस तरह गल चुकी है, ये देखें माशाल्लाह हमारी चिकन, और ये हर चीज़ तैयार है। अब हम इसको विस्क के साथ, ये देख लें चिकन अंदर तक जो है वो पक चुकी है। अब हम इसको विस्क के साथ मिक्स करेंगे, हैंड वाली विस्क के साथ, जो बिजली वाली है उसके साथ नहीं, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, फिर हड्डियाँ भी साथ मिक्स हो जाती हैं। ये देखें नाज़रीन, साथ साथ मैंने हल्की आंच में चूल्हा भी किया हुआ है, ताकि ये ठंडा भी अच्छा नहीं ना लगता, और इसको ऐसे ऐसे करके विस्क के साथ मिक्स कर लेना है। ये तकरीबन बताया था ना, उबालना बहुत आसान है, लेकिन इसको मिक्स करना बहुत मुश्किल है। तकरीबन आधा घंटा हम इसी तरह मिक्स करेंगे इसको, और हल्की आंच चूल्हे की जला देंगे, ताकि ये ठंडा होके थिक हो जाता है, तो फिर ये सही मिक्स नहीं होता। देखें ना, जैसे जैसे गर्म होगा इसके रेशे बहुत अच्छे लगेंगे। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हमारा चिकन का हडीसा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें किस तरह चिकन के रेशे नज़र आ रहे हैं। अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, और इसके ऊपर चिकन का तेल डालेंगे, लेमन डालेंगे, ये चिकन के रेशे कितने अच्छे आ गए हैं, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये देखें नाज़रीन, हडीसा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको खाएंगे अफ्तारी में, तैयार हो गया। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये किस तरह इसके रेशे नज़र आ रहे हैं।
जी नाज़रीन, बताया ना आज हम तीन चीज़ें बनाएंगे। एक तो हमने डोसा ऊपर चढ़ा दिया, अब मैं आपको चॉकलेट वाले डम्पलिंग्स बनाने बताती हूँ। ये देखें, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1 हाफ़ टी स्पून खमीर है और 1 गिलास दूध के, अगर दूध की ज़रूरत पड़े तो हम और डालेंगे, बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। ये देखें हमने नमक डाल दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये सोडा और खमीर और बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दूध डाल देंगे, इसको मिक्स करके कम से कम हमने इसको 2 से 3 घंटे रखना है ताकि हम अच्छा सा ये फूल जाए और बनने में भी आसानी। ये देखें हमें दूध की और ज़रूरत है, ये देखें मैंने 1 गिलास और दूध डाल दिया है। ये देखें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखें नाज़रीन, ये बहुत अच्छा मिक्सचर बन गया है और अब हम इसको 2 घंटे के लिए ढक के ऐसे बंद करके रख देंगे। ये देखो मैं फ्राई के लिए डालती जा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में हाथ डाल के, पानी में हाथ डिप होना चाहिए ताकि आपका जो बॉल है वो अच्छा बने, गोल गोल बने। ये देखें नाज़रीन डम्पलिंग तैयार हो गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत अच्छे, जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह आपने बनाना है मिक्सचर जो है, तो आपके डम्पलिंग नरम भी और अंदर से नरम और ऊपर से खस्ता बहुत अच्छे बनेंगे, आपको बिल्कुल खाने में बहुत मज़ा आएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये मैं चॉकलेट वाले बनाऊंगी और एक मैं दूसरे बनाऊंगी जो शहद वाले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार हो गया, अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें और इसको अच्छी तरह इनमें मिक्स करूंगी। प्यारा, हा हा हा, बहुत मज़ेदार लग रहा है। ऐसे हम करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए नाज़रीन, इसको मैंने चॉकलेट सिरप लगा के, ये देखें बहुत खुशबू अच्छी आ रही है और मेरे तो बच्चे खुश हो के पागलों की तरह देख रहे हैं कि कब ये अफ्तारी के टेबल पे आए और हम खाएं, क्योंकि उनको ये बहुत पसंद है। मैं अक्सर घर में बनाती रहती हूँ और रमज़ान में तो और भी उनको होता है कि आज हमारे घर में जो है वो ये बनेंगे। चॉकलेट के ऊपर तिल भी डाले हैं, अब ये मैं दूसरे बनाए हैं शहद के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को शहद वाले पसंद होते हैं, कुछ लोगों को चॉकलेट वाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहद को लंबा सा ऊपर सा करके ऐसे डालना है ताकि वो डीप तक जो बने हुए हैं डम्पलिंग्स उनमें चला जाए। जी नाज़रीन देखें, आज हम अभी हम तीसरी आइटम जो है वो रोस्ट चिकन तैयार करेंगे। ये देख लें, सबसे पहले मैं ये चिकन डाल दूंगी, एक बॉल ले लेना उसमें चिकन डाल दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर काली मिर्ची डाल दूंगी, काली मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डालनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डाल देना है और ये 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी और 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्ची डाल देनी है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी डालें लाल मिर्ची, लेकिन काली मिर्ची और जो है हल्दी वो लाजम है। अब ये 1 गिलास में लस्सी का डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं इसको मिक्स करके ऐसे तकरीबन 2 घंटे तक ऐसे ही रखूँगी, ये लस्सी के अंदर पड़ी रहेगी, फिर आपको बताऊंगी कि ब्रोस्ट किस तरह बनता है।
रोस्ट बहुत आसान है, घर में आसानी से बंदा बना सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने सही तरह मिक्स कर ली। अब मैं इसको ढक के ऊपर से रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। ये मैरिनेट हो चुकी थी, अब ये देखें, ये बहुत अच्छी मैरिनेट हो गई है। अब ये मेरे पास चावल मैंने खुद घर में पीसे हुए हैं, 3 या 4 टेबलस्पून चावल हैं जो मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए हैं। ये मैं कॉर्नफ्लोर है, मेरे पास 1 कप कॉर्नफ्लोर है, मैं कॉर्नफ्लोर के अंदर इनको मिक्स कर लूँगी इसको। और मैं थोड़ी सी काली मिर्ची इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर, और ये देखें थोड़ा सा नमक कॉर्नफ्लोर में मिक्स कर लूँगी। देखें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, साथ मैंने तेल भी गर्म करना रख दिया है। और ये देखें, ये 2 अदद अंडे हैं नाजरीन, इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स के साथ नाजरीन ये देखें, पहले हम एक पीस उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें डिप करेंगे। ये चावल और कॉर्नफ्लावर का जो मैंने बनाया हुआ था पाउडर सा, उसमें ये अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब अंडे में ले जाएंगे, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अंडे में गया है। अब ये देखें, ये फिर कॉर्नफ्लोर और चावल के पाउडर में चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये कितना अच्छा बनेगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा बनेगा हमारा ये बोस्टर ब्रोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें नाजरीन। अब मैं दूसरा रोस्ट का पीस ले रही हूँ, ये देखें, लस्सी ने उसको इतना नरम कर दिया है कि वो बहुत अच्छा हो गया नरम हो के, क्योंकि ज़्यादा देर भी आप अगर 3 घंटे भी रख सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा लगा लेंगे। चावल का आटा इसलिए कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जो है बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह इसको लगा लेना आटा, ये जो हमने ग्राइंड बनाया हुआ है, ग्राइंड करके अंडे में चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडे में भी सही तरह डिप करना है इसको, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये बहुत अच्छा ये फिर डिप हो गया। अब फिर हम इसी आटे में ले जाएंगे इसको, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, लस्सी भी उसमें उसके अंदर ही रही है, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सा ये बन गया। ये देखें, अब हम इस दूसरा पीस भी रखेंगे के एफ सी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीस भी उसी तरह करूँगी। पहले हम लस्सी से निकाल के मैदे में इसको सही तरह मस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, अंडे में ले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें थोड़े सब्र की, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि अच्छा सा ये 2-3 घंटे आप लगा के रखेंगे तो बहुत अच्छा आपका ये ब्रोस्ट बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, जी नाजरीन देख ले, हम अब इसको
पलटेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े प्यार से पलटना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ेदार। ये देखें, इसका मसाला सारा उसके साथ है, बिल्कुल कोई चीज़ गिरी नहीं है मसाले से बाहर आई में। ये देखें, ये तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाह, ये देखें, माशाल्लाह। ये देखें, ये ब्रोच बहुत अच्छा तैयार हो गया। ये देखें, ये देखें नाजरीन, ये मैं एक एक पीस जो है वो लेमन का मैं काट लूँ, इसके ऊपर डाल दूँ लेमन का रस, और ये देखें थोड़ा सा नमक डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर, ऐसे ऐसे इनको मैं लेमन को और नमक को ऐसे मिक्स कर लूँगी। हो गया, अब फ्राई करते हैं। नाजरीन, इसको हमने डाल दिया, हिलाना नहीं अभी। अभी हम तकरीबन 5 मिनट तक इसको इसी में ऐसे ये पकता रहे। देखिए नाज़रीन, अब मैं इनको हिलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये इतने क्रिस्पी बनेंगे। ये देख लें, सेम KFC की तरह बन रहे हैं, ब्रोस्ट वालों की तरह बन रहे हैं। बस हिलाना इनको उस वक्त है जब ये बिल्कुल जो है वो, कोई आटा नहीं लगाया, सिर्फ नमक लगाया और आधा पीस लेमन का जो है वो लगाया हमने। ये देख लें नाज़रीन, ये कितने अच्छे बन गए हैं, ये देख लें, और क्रिस्पी भी बहुत हैं। अब मैं इसमें डालूंगी निकालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूर, ये 1 घंटा खड़े होने की बात है, इतनी डिशें फटोफट तैयार हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें नाजरीन, ये कितने अच्छे बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, ये देखें हमारी डिशें जो हैं वो 5 तैयार हो गई हैं। हडीसा तैयार हो गया है, ब्रोस्ट तैयार हो गया है, ये डम्पलिंग्स शहद वाले तैयार हो गए हैं, चिप्स तैयार हो गए हैं, और चॉकलेट वाले डम्पलिंग्स तैयार हो गए हैं। बताया मैं ऊपर लास्ट में इनके ऊपर ये तिली डालती हूँ तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखें हमारी ये कितनी अच्छी अंदर से पक चुकी है। ये देख लें, ये कैसे कितनी अच्छी फटोफट टूट गई है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर से बिल्कुल कच्ची नहीं रही। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। खाइए और मज़ा कीजिए।